मोहम्मद अफसर हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, जो कल सदन में हुआ, जिस तरीके का हंगामा सामने नजर आया, इस बात की भी पूरी संभावना है कि आज भी उससे कम हंगामा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जवाब होगा और प्रधानमंत्री को जवाब में पूरा समय मिला है, लिहाजा वो हर आरोप का विस्तार से जवाब देंगे। बिल्कुल राजीव, कल उसी वक्त जब अगर हम एक बात करें अग्निवीर की, तो अग्निवीर पर तुरंत कहा था राहुल गांधी ने कि जब अग्निवीर में कोई शहीद होता है तो उसे कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, और इसी बात का तुरंत खंडन किया था राजनाथ सिंह ने, और उन्होंने बताया था कि मिलता है, 1 करोड़ रुपए का मिलता है। और इसके बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा, उसमें भी काफी कुछ क्लियर किया गया था। तो ये मैंने इसे एक एग्जांपल दिया, लेकिन राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण में जिन बातों को रखा है, एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से प्रधानमंत्री मोदी उसका जवाब। और मोहम्मद अफसर, प्रधानमंत्री का वो बयान जब बीच में वो थोड़ी देर के लिए खड़े हुए और उन्होंने, उनके शब्द थे कि संविधान और लोकतंत्र मुझे सिखाता है कि नेता प्रतिपक्ष की बातों को मुझे गंभीरता से लेना चाहिए, ये एक इशारा देता है कि आज उनका जवाब तल्ख भी हो सकता है और विस्तार लिए हुए भी हो सकता है। दोनों चीजें होंगी राजीव, क्योंकि विस्तार पूर्वक तो होगा ही होगा, क्योंकि पूरा समय मिला है प्रधानमंत्री को, तो एक एक सिलसिलेवार ढंग से एक एक बिंदुओं को वो पर वो चर्चा करेंगे, बहुत ही विस्तार से करेंगे और बहुत ही अटैकिंग मोड पे होंगे। क्योंकि कल शाम में खुद अश्विनी वैष्णव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो वो भी बहुत आक्रामक थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ भ्रम फैलाया है, सिर्फ झूठ बोला है। तो जब एक मंत्री ने तुरंत, मतलब राहुल गांधी के भाषण के 2 घंटे के बाद ही इन पूरी चीजों को सामने रखा, तो प्रधानमंत्री जब आज शाम में बोलेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तल्खी होगी उनकी बातों में, क्योंकि वो पूरी तरह से अटैकिंग मोड में होंगे, सिलसिलेवार ढंग से एक एक बातों का जवाब दे रहे होंगे कि क्या क्या राहुल गांधी ने बोला, क्या उसमें गलत था और क्या सच्चाई है। तो आज संसद के बाहर से लगातार शाम से ही सामने आने शुरू हो गए थे, अब नाक रगड़कर माफी तक मांगने की मांग राहुल गांधी से बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से की गई है। क्या कुछ आज का रुख रहता है, क्या पीएम मोदी के भाषण में जिक्र होता है, इन सभी बातों पर अफसर नजर आप बनाए रखिएगा। जब ये भाषण सामने आया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से रिएक्शंस भी सामने आए इस पूरे बयान को लेकर। अश्विनी वैष्णव और प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनते हैं। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का, और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदंबरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था, 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था, 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने, उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इसी के साथ एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होने वाली है, सुबह 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब ये खास बैठक होगी संसद लाइब्रेरी भवन में, ये मीटिंग है और प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर एनडीए संसदीय दल की बैठक में उनका अभिनंदन भी होगा, और साथ ही वर्तमान लोकसभा सत्र, संसद सत्र को लेकर भी एनडीए किस रणनीति के साथ मौजूद है उस पर भी बात हो सकती है। जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है, एनडीए की मीटिंग होगी, एनडीए संसदीय दल की बैठक जिसमें तमाम नेता मौजूद रहने वाले हैं। एनडीए के यहाँ लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनका अभिनंदन तो जरूर होगा, लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन साथ ही साथ जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें क्या कुछ सत्र के दौरान आगे की रणनीति रहने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है एनडीए की और क्या रहनी चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा होगी सुबह
9:30 बजे मीटिंग का वक्त बताया जा रहा है। 9:30 बजे मीटिंग होगी और जानकारी ऐसी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मौजूद रहेंगे तो कई खास बड़ी बातें बोल सकते हैं।